अस्सलामुअलैकुम नमस्कार दोस्तों। भाई मैंने दो तीन दिन पहले एक कबूतर पकड़ा था, सफ़ेद कलर का, वो भी कलाकाग में। भाई वो भी कलाकाग में कबूतर था, और आज की इस वीडियो में मैं उस कबूतर को भाई आज़ाद करने वाला हूँ, अपने छत से उसको भाई वापस से भगाने वाला हूँ। तो भाई ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो भाई इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अपने जान पहचान वाले को मालूम पड़ना चाहिए कि हर किसी का भी कबूतर कभी हम पकड़ते हैं, आज़ाद कर दो यार, मत पकड़ो, मत उसका भाई दिल दुखाओ। भाई ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और हर वीडियो जो भी मेरे पास नया कबूतर अब मेरे छत पे आएगा पकड़ाई के अंदर, तो भाई उस कबूतर को भी मैं आज़ाद कर देगा, मैं किसी को दूंगा नहीं भाई। नहीं तो मालूम दोस्तों क्या होता है, मैंने चलो खेल कबूतर पकड़ा, पकड़ने के बाद मैंने कबूतर अपने छत पे रखा, तो मेरे पास डेली 8-10 बच्चे मांगने आएंगे यार वसीम भाई, वो कबूतर हमारा है, वो कबूतर हमारा है। तो इसलिए मैं वो कबूतर किसी को भी नहीं दूंगा, सिर्फ वो कबूतर अपने छत से भाई आज़ाद कर दूंगा, वापस कबूतर को भगा दूंगा। कभी किसी का कबूतर भाई मेरे छत पे आता है तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा कबूतर है, आपको भी शौक कराऊँगा और आपके सामने वो कबूतर को वापस भगा दूँगा भाई। चलिए दोस्तों भैया हमारा सानिज देख लो यार, छत के ऊपर ही बैठा हुआ है वो तैयार में। तो सानिज, और हमारे सानिज ने बोला कि पापा वो कबूतर आपने पकड़े हो ना, तो उसको आप आज़ाद कर दो, भगा दो वापस से। सानिज उस दिन कबूतर नहीं पकड़े थे है ना, उस दिन तीन कबूतर आए थे, तो तीन में से सिर्फ भाई एक कबूतर पकड़ा गया था है ना। तो भाई पहले मैं आपको उस कबूतर का शौक करा देता हूँ और आपके सामने भगा दूँ। भाई देख लो आप, ये है वो कबूतर जो हमने पकड़े थे भाई, इसको आप करीब से शौक कर लो एक बार, माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारा कबूतर है। नियत ख़राब हो रही है, बाकी नियत ख़राब करना नहीं है भाई हमारे को है ना। देख लो बेटा कलाक का कबूतर है ना, देख लो भाई, और ये बड़ा कबूतर है एकदम भाई, बड़ा कबूतर है, परंत कबूतर है, देख लो आप है ना, माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारा कबूतर है हमारा, बहुत ही शानदार, वो भी नर है दोस्तों, देख लो सानिश, इसको आप अपन आज़ाद करने वाले, कर दे आज़ाद है कि नहीं, अब उसको आज़ाद करना है तो थोड़ा पब्लिक को भी दिखाना पड़ेगा ना किस टाइप से अपन इसको आज़ाद कर रहे हो। कर दो ना थोड़ा दूर से मेरी वीडियो बनाने जा, हाथ मत अड़ने देना और पीछे जा, पापा उड़ाएंगे अब। हाथ तो नहीं अड़ रहा, नहीं अड़ रहा, क्लियर दिख रहा है हाँ। कबूतर दिखा रहे, जब मैं कबूतर उड़ाऊंगा हाँ। तो भाई भाई देख, हमने आपको दो तीन दिन पहले पकड़े थे और आज हम तुमको आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ जाना है वहाँ जा, कोई रोक टोक नहीं, क्यों जाने हाँ। उड़ा दे हाँ। कबूतर दिखाना, उड़ाते हो बेटा है ना, कबूतर गया, सीधे निकल गया कबूतर यार, समझ गया हाँ, सीधे सीधे चलेगा सर भाई, वो कबूतर भाई सीधे निकल चुका है, वो देखो उधर आप, वो जा रहा भाई कबूतर, देखो आप सफेद वाला कबूतर है उधर निकल चुका है, फिर जाने हाँ। और भाई देख लो हमारे कबूतर ही बंद है और हमने आज़ाद कर दी है कबूतर को, ओ सानिज पतंग पतंग ऑटो भाई, हमारा सानिज भी पीछे पड़ा है, पापा हमारे पतंग लेके आओ, बस हमारा सानिज बहुत डोरे पतंग थी, सानिश सानिश कबूतर चले गया बेटा, आजाद हो चुका है, नहीं सीधे निकल गया कबूतर, निकल गया बेटा कबूतर वाला, देख लो दोस्तों पूरा आसमान साफ है, बस कवर बेटा वहाँ पर, देख लो भाई तो दोस्तों आपने देखे भाई, हमने उस कबूतर को आज़ाद कर दिया है ना, अभी अंदर से हमारे को भी एक खुशी मिल रही है कि यार दोस्त कबूतर हमने जैसे हमने आज़ाद करा भाई, तो सीधे भाई कबूतर उस तरफ गया,
भाई उस तरफ बहुत सारे कबूतर वाले भाई है और जिसका भी कबूतर है वहीं चले गया वो। तो हमारे दोस्तों बहुत अच्छा लगा भाई यार आज़ाद करने में। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारा जो YouTube चैनल है इस पर हर तरीके की वीडियो अपलोड होंगी, साथ ही कभी हमारे छत पे किसी का कबूतर आता है हम बाकायदा कबूतर पकड़ेंगे भी, पकड़ने के बाद उस कबूतर को आज़ाद कर देंगे, रखेंगे नहीं हमारे पास। तो हमारे पास कोई भी भाई मंगने नहीं आए क्योंकि हम वो कबूतर किसी को नहीं देंगे। जैसे हमने आज कबूतर पकड़े, पकड़ने के बाद हमने उस कबूतर को दो एक दिन रखेंगे और उस बीच में आप कभी आते हो कि भैया हमारे कबूतर है, तो हम वो कबूतर आपको बिल्कुल नहीं देंगे, हम वो कबूतर आज़ाद कर देंगे। आप भले से हमको आप ये बोलो कि यार वसीम भाई हम आपको 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, वो कबूतर आप हमको दे दो, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम नियत ख़राब नहीं करेंगे, हम कबूतर को आज़ाद कर देंगे भाई, बिल्कुल आज़ाद कर देंगे। भैया आज का ज़माना बहुत ख़राब है, किसी और का कबूतर है और आप मांगने कबूतर हमारे घर पे आ रहे हो, बल्कि वो कबूतर आपका नहीं है, ऐसे काम आप मत करो। आपसे कोई ऐसे हरकत करेगा मैं उसकी वीडियो बना लूँगा और भाई मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यार आज का ज़माना बहुत ख़राब है यार। आप भी आजमा लेना, कभी आपके छत पर किसी का कबूतर आता है ना तो 10 इंसान आ जाएंगे कि भाई मेरा कबूतर है, मेरा कबूतर है ना, ऐसा आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं आपके साथ भी होगा, आजमा के देखना मेरा भाई आप। तो इससे अच्छा तो कबूतर पकड़ो और आज़ाद कर दो। कबूतर अभी आज़ाद कर रहा हूँ, काफ़ी भाई कमेंट करे कि यार वसीम भाई आप कबूतर को आज़ाद क्यों करते हैं, कबूतर को भगाते क्यों हो, पकड़े कबूतर को आप बेच दे करो। नहीं यार भाई, दिल को गवारा नहीं करता भाई हमारा, हमारी सोच ये है कि आप किसी दूसरे का कबूतर को भी मान लो भाई, दो कभी कबूतर है ना अपने छत पे उसके मन से आता है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं दाना फेंकने की, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बाकी वो कबूतर अपने मन से आता है और हम कबूतर पकड़ लेते हैं। खैर पकड़ने के बाद में कबूतर को बंद करके नहीं रखना चाहिए। आपको लग रहा है कि यार कबूतर बहुत अच्छा है, 2 दिन रख लो, 3 दिन रख लो, आज़ाद कर दो, भगा दो, है ना, कभी वो उसके घर का मजबूत होगा भाई, चले जाएगा किसी और के छत पे जाके बैठ जाएगा और कुछ पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने छत पे भाई पकड़े कबूतर आप बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो, क्योंकि भाई देखो आप कभी अच्छी नस्ल पालना चाहते हो और अपने घर पे छत पे अच्छी नस्ल रखना चाहते हो तो जहाँ तक कोशिश ये करें कि आप अपने कबूतर पालो, अपने कबूतर रखो, अपने कबूतर की परख करो, पहचान करो भाई। दो आप 2 मिनट के लिए कुछ सोचो कि यार वो कबूतर भागा हुआ कबूतर है, किसी दूसरे का कबूतर भाग गया है तो यार हम वो कबूतर रखेंगे, अंडे बच्चे से लगाएंगे, यानी उतरा हुआ कबूतर हमारे वहाँ अंडे बच्चे करेगा तो भाई उसके भी बच्चे भाग जाएंगे, आज नहीं कल बच्चे भाग जाएंगे, तो जोड़ा भी ख़राब, आपकी मेहनत भी ख़राब। इससे अच्छा तो कबूतर को आपकी इच्छा, आप चाहो तो बेच दो, आप चाहो तो भाई उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये था भाई, हमारा दिल गवारा नहीं करा, हमने कबूतर को आज़ाद कर दिए। प्यार इसे कमेंट करे और वीडियो को लाइक करे, तो सानी बोल दो। वीडियो को लाइक करे, प्यार इसे कमेंट करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।